हेलो गाइस, आ गए हैं एक न्यू हाईलाइट लेकर। आज की हाईलाइट निकल के आ रही है स्ट्रीम टूर्नामेंट के अंदर से। इस वीडियो में आप देखोगे कि हाइडा पावर किलो ने टीम फॉरएवर को 1v3 क्लच किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉरएवर की बात करते हैं तो ओवेस नॉक है, मैक्सकस वहां पे रिवाइवल के लिए जरूर जाएंगे और जितनी जल्दी वहां पे रिवाइवल पॉसिबल कर देंगे अच्छा रहेगा। तो पहले ओवेस को यहां पे रिवाइवल मिल चुका है, प्ले जोन से यहां पे टीम्स बाहर हो रही। लेकिन आपने एक चीज यहां पे नोटिस करी, एक चीज यहाँ पे देखिए, 12 टीमें अभी भी बची है जेपी 35 प्लेयर्स के साथ। तो ये 12 टीमें होल्ड कहां करेगी? हाइड्रा की बात करें, इस मैच में उतनी अर्ली इन्होंने फाइट नहीं ली थी, लेकिन फ्रैंकी के ऊपर एक ग्रेनेड जरूर, क्या ये ग्रेनेड कंफर्म एक नॉक निकाल सकता है। फ्रैंकी को भी टेक डाउन कर दिया, सिक्योर करेंगे पाव किलो बैक इन द फॉर्म गाइस। वैक्सियस को भी वापस स्पॉट किया है, पाव किलो का 1v2 क्या देखने को मिल सकता है। ओह माय गॉड, लुक एट देयर हेल्थ ऑफ पाव किलो, जिस तरीके से ये शॉट इन्होंने कनेक्ट किया ये माइंड ब्लोइंग थे। ओवेस की तरफ से वहां पे चार देखने को मिलेगा, 1v1 की प्रॉपर फाइट आपको देखने को मिलेगी। क्या वहां पे सफलता मिल पाएगी? हाइड्रा पावर किलो 1v3 अगेंस्ट टीम फॉरएवर, दैट माइंड ब्लोइंग ऑडियंस। हाइड्रा अप इन द चैट सेक्शन, लेकिन गॉडलेस पावर, ये प्लेयर, ये खिलाड़ी आपको अभी भी मैच में सेम डोमिनेशन दिखाता हुआ मिलेगा।